धनबाद के कोयला कारोबारी दीपक पोद्दार के ठिकानों पर एक और आईडी की रेड चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर उनके होटल वेडलॉक ग्रीन के एक कर्मचारी राजन रजवार की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अन्य कर्मियों के साथ कर्मचारी भी पिकनिक पर गया हुआ था, जहां खाने पीने के बाद गिर पड़ा और उसके सर में चोट लगी। आनन फानन में उसे SNMMCH ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक राजन रजवार 3 बेटियों का पिता है और घर में अकेला कमाने वाला शख्स था। उसके मौत से परिवार की रोजी रोटी पर आफत आ गई है। स्थानीय रतनपुर पंचायत मुखिया मिहिर मंडल के नेतृत्व में परिजन और ग्रामीण होटल परिसर पहुंचे हैं, जहां GM से उनकी वार्ता हो रही है। परिजनों की मांग है कि उसे पर्याप्त मुआवजा, पत्नी को नौकरी एवं अंतिम संस्कार के लिए राशि में हो या कराई जाए। फिलहाल पुलिस को घटना की जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि मुखिया ने बताया कि पुलिस को इसकी सूचना दी जाएगी। नाम है सर, सुनने में आया कि लोग पिकनिक गए हुए थे तो चाची झील, इसके बाद वहाँ से आने के बाद कह रहे हैं कि यहाँ पे आए ठीक ठाक से, कि कैसे आए तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम लोग का जब पता चला तो इन लोग हॉस्पिटल पहुंचा चुके थे, और पहुंचाने के बाद हॉस्पिटल में हम लोग गए तो मृत पाए। क्या नाम था? सागर रजवार। क्या काम करते थे यहाँ पर? तो कपड़ा धोता था। वाशिंग में काम करते थे। मांग हम लोग यही करने के लिए आए हैं कि उनका एक सर्विस होना चाहिए, उनका पत्नी का, और प्लस हम लोग का मुआवजा चाहिए। कितने बच्चे हैं उनके? 3 बच्चे हैं, बच्ची ही हैं, बच्चा नहीं है। तीनों लड़के हैं। मुआवजा चाहिए जी। छोटे 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 बच्चे हैं। कितना साल पहले शादी हुआ है? 7 साल हो गया लगभग। मेरा नाम पंचानन रजवार जी। आपका ये जो मेरे कुम्हाटी पंचायत का जो है, जो आदमी डेट किए हैं, वो यहीं काम करते थे। क्या काम करते थे? ये कुछ लेबर वगैरह कुछ ये काम करते थे यहाँ पर, और वाशिंग में तो वो काम करते थे। काम करते उपरांत जो है हम लोग रात को पता चला कि वो जो उस आदमी जो हॉस्पिटल आपको PMCH हॉस्पिटल में एडमिट है, तो हम लोग बोला रात को अभी नहीं जाएंगे, हम लोग सुबह जाएंगे। तो सुबह आके देखे घर में वो जो है लड़का जो है घर में वो मृत पाया गया, वहीं से आया था PMCH से। अब कैसे क्या घटना हो, ये घटना विस्तृत हम लोग जानकारी नहीं मिल रहा है कि यहाँ पर आए। हाँ, तो यहाँ पर आए हैं तो आपका GM सर जो है उन्होंने आश्वासन हम लोग दिए कि अभी हम लोग उसको कार्यक्रम करने के उपरांत 51,000 रुपये देंगे, और उस अंतिम संस्कार के लिए, और उस परिवार को एक नौकरी, उस मैंने उसका परिवार को एक नौकरी हम लोग देंगे। और आप अभी कुछ व्यस्तता कारण बोला अभी हम लोग बात नहीं कर पाएंगे, शाम को या सुबह आप लोग बुलाएंगे 5 आदमी, आप लोग आइएगा, और उस लड़की का जो मृतक का लड़की का नाम से हम लोग पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे। यही वार्ता अभी हुआ है, और हम लोग उनका आश्वासन से लिखित भी हुआ है GM से। नहीं, अभी तो हम लोग जानकारी नहीं दिए हैं। अभी हम लोग GM से अभी डायरेक्ट यहीं पहुँचे हैं। हम लोग थाना भी नहीं गए हैं, और यहाँ आने से हम लोग ये बातचीत अभी हम लोग हुई है। अब देखते हैं उन लोग क्या मान लीजिए करेंगे। अब